बच्चों, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार पांडे, सहायक प्राध्यापक RBGR कॉलेज, दर्शन विभाग, महाराजगंज। पिछले क्लास में मैंने तर्कवाक्य एक विवेचना के तहत, शीर्षक के तहत तर्कवाक्यों के बारे में मैंने आप सबको ये बताया था कि तर्कवाक्य क्या है, वाक्य और तर्कवाक्य में क्या अंतर है, व्याकरणीय वाक्य और उनके गुण और स्वरूप के बारे में हमने प्रकृति के बारे में तर्कवाक्यों की चर्चा की थी। आज हम तर्कवाक्यों के विभिन्न प्रकार के भेद तो विभिन्न दृष्टिकोणों द्वारा तर्कशास्त्रियों के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं, बताए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करूंगा आपसे। यूँ तो तर्कवाक्यों के कई आधार पर भेद बताए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से गुण की दृष्टि से, संबंध की दृष्टि से, परिमाण की दृष्टि से, इसके अलावा विधि और तात्पर्य, मोबाइलिटी और रिपोर्ट की दृष्टि से भी विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। अब इनका संक्षिप्त विवरण हम आप सबको बताऊंगा, चर्चा आपके साथ मैं करूंगा। रचना की दृष्टि से तर्कवाक्यों के भेद किए गए, तर्कवाक्यों का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से उनकी बनावट है, उसके अनुसार तर्कवाक्यों को दो भेदों में बांटा गया है। ये रचना के दृष्टि से तर्कवाक्यों का भेद बताया गया। पहला तर्कवाक्य है सरल तर्कवाक्य। इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। सरल तर्कवाक्य एक निर्णय को व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए, मनुष्य मरणशील है, यह एक सरल तर्कवाक्य है। इसमें एक ही उद्देश्य मनुष्य और एक ही विधेय मरणशील है। दूसरा मिश्रित तर्कवाक्य, कंपाउंड प्रीपोजिशन। मिश्रित तर्कवाक्य में उद्देश्य अथवा विधेय अथवा दोनों ही एक से अधिक होते हैं। जिस तर्कवाक्य में उद्देश्य और विधेय एक से अधिक होते हैं, उनको हम मिश्रित तर्कवाक्य कहते हैं। इसलिए इसको एक से अधिक सरल तर्कवाक्यों में मिश्रित तर्कवाक्य जो होते हैं, उनको हम सरल तर्कवाक्यों में भी तोड़ सकते हैं, उनको बांट सकते हैं। जैसे राम और मोहन दोनों धनी हैं, इस तर्कवाक्य को इन दो सरल तर्कवाक्यों में तोड़ा जा सकता है कि राम धनी है और मोहन धनी है। मिश्रित तर्कवाक्यों को भी दो उपवर्गों में बांटा जाता है, सन्निकृष्ट मिश्रित तर्कवाक्य और विप्रकृष्ट मिश्रित तर्कवाक्य, कॉपुलेटिव कंपाउंड प्रोपोजिशन और रिमोटिव कंपाउंड प्रोपोजिशन। सन्निकृष्ट मिश्रित तर्कवाक्य में एक से अधिक अस्थिवाचक तर्कवाक्य सम्मिलित होते हैं। अस्थिवाचक मतलब पॉजिटिव, भावात्मक, जैसे मोहन विद्वान है और धनी है। एक मिश्रित तर्कवाक्य है, इसमें दो विधेय हैं, विद्वान धनी। तो ये सन्निकृष्ट मिश्रित तर्कवाक्य का उदाहरण है। उसी तरह से विप्रकृष्ट मिश्रित तर्कवाक्य है, इसमें एक से अधिक निषेधात्मक वाक्य होते हैं। जो निषेधात्मक होते हैं, निगेटिव, अभावात्मक, उनको विप्रकृष्ट मिश्रित तर्कवाक्य कहते हैं, और जो भावात्मक होते हैं उनको सन्निकृष्ट कॉपुलेटिव कंपाउंड प्रोपोजिशन कहते हैं। अब दूसरा आधार इसका, ये तो रचना के दृष्टि से मैंने बताया कि एक सरल तर्कवाक्य, दूसरा मिश्रित तर्कवाक्य। अब संबंध के आधार पर, संबंध की दृष्टि से तर्कवाक्यों के भी दो वर्गों में उनको बांटा गया है। एक निरपेक्ष तर्कवाक्य होता है, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। इस तर्कवाक्य में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, और उद्देश्य और विधेय के मध्य निरपेक्ष संबंध होता है, अर्थात उद्देश्य के बारे में विधेय का विधान या निषेध बिना किसी प्रतिबंध के किया जाता है।
किसी कंडीशनल नहीं होगा। उदाहरण के लिए, सब मनुष्य मरणशील है, इस तर्कवाक्य में मनुष्य के साथ मरणशीलता का निरपेक्ष रूप से विधान किया गया है, इसलिए ये सभी मनुष्य मरणशील हैं, निरपेक्ष तर्कवाक्य, कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन कहा जाता है। दूसरा प्रकार हो गया सापेक्ष तर्कवाक्य। सापेक्ष तर्कवाक्य, जैसा कि नाम से ही इसके स्पष्ट है, उद्देश्य और विधेय में कुछ विशेष परिस्थितियों, कंडीशंस, शर्तों में ही संबंध स्थापित हो पाता है। जैसे यह कहा जाए, यदि बादल आएंगे तो वर्षा होगी, यदि मैं विद्वान होता तो सुखी रहता, तो इन उदाहरणों में किसी शर्त पर ही विधेय का उद्देश्य से विधान या संबंध बनाया जाता है। सापेक्ष तर्कवाक्य में को भी दो उपवर्गों में, सब क्लास में बांटा गया है। एक है पहला हेतु फलाश्रित सापेक्ष तर्कवाक्य, जिसको हाइपोथेटिकल कंडीशनल प्रीपोजिशन कहते हैं। हेतु फलाश्रित अथवा सोपाधिक तर्कवाक्य वह तर्कवाक्य है जिसमें दी हुई शर्त का उल्लेख यदि शब्द या उसके किसी पर्यायवाची शब्द से किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि समय पर वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होती, ये हेतु फलाश्रित सापेक्ष तर्कवाक्य का उदाहरण है। यदि शब्द इसमें रहता है या इससे मिलता जुलता जो पर्यायवाची शब्द इसका कुछ है वो रहता है, तो इस तरह के तर्क मिश्रित तर्कवाक्य को हम हेतु फलाश्रित सापेक्ष तर्कवाक्य कहते हैं। दूसरा इसका उपवर्ग है वैकल्पिक सापेक्ष तर्कवाक्य। इस तर्कवाक्य में, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, विकल्प दिए जाते हैं जिसका रूप या यह या वह इस प्रकार का होता है। उदाहरण के लिए, या तो वह धूर्त है या मूर्ख है। वैकल्पिक तर्कवाक्य में दिए हुए विकल्पों में से किसी एक का उद्देश्य पर लागू होना अनिवार्य होता है। ये वैकल्पिक सापेक्ष तर्कवाक्य का उदाहरण है। तो सापेक्ष तर्कवाक्य में दो वर्ग हुए, एक हेतु फलाश्रित, दूसरा वैकल्पिक। हेतु फलाश्रित में यदि शब्द का यूज होता है या उसके मिलते जुलते पर्यायवाची शब्दों का, दूसरा वैकल्पिक सापेक्ष तर्कवाक्य जिसमें या वह इस तरह का तर्कवाक्य की रचना होती है। अब ये संबंध हो गया, रचना हो गया, अब गुण के अनुसार तर्कवाक्यों का विभाजन किया गया है तर्कशास्त्रियों के द्वारा। गुण के आधार पर दो वर्गों में, यहाँ भी दो वर्गों में तर्कवाक्यों को विभाजित किया गया है। एक अस्थिवाचक, जो भावात्मक होता है, जो तर्कवाक्य भावात्मक हैं वो अस्थिवाचक तर्कवाक्य के अंतर्गत आ जाएंगे, जैसे मनुष्य मरणशील है, भारतवासी मनुष्य हैं, इत्यादि इत्यादि। दूसरा नास्तिवाचक, इसमें नास्तिवाचक में निषेधात्मक का विधान किया जाता है, जैसे मनुष्य ईश्वर नहीं है, मैं विद्वान नहीं हूँ, तो ये नास्तिवाचक तर्कवाक्य कहलाता है। तो ये संबंध के आधार पे गुण के अनुसार तर्कवाक्यों के दो प्रकार हो गए, अस्थिवाचक नास्तिवाचक, एफर्मेटिव प्रीपोजिशन और निगेटिव प्रीपोजिशन। ये गुण के आधार पे तर्कवाक्यों का विभाजन किया गया। इसी प्रकार आगे परिणाम के आधार पर, क्वांटिटी के आधार पर भी तर्कवाक्यों का विभाजन किया गया है तर्कशास्त्रियों के द्वारा। इसको भी दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक सामान्य तर्कवाक्य यूनिवर्सल प्रीपोजिशन, जो जिसमें एक वर्ग के सभी के लिए, सभी के बारे में कुछ बोला जाता है या बताया जाता है या कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे सब मनुष्य मरणशील है, इसमें सभी मनुष्यों के बारे में एक निर्णय दी जाती है।
तो ये सामान्य तर्कवाक्य हुआ, यूनिवर्सल प्रीपोजिशन। दूसरा होता है विशेष तर्कवाक्य। ये विशेष तर्कवाक्यों में इन उद्देश्य का विधान निषेध संपूर्ण उद्देश्य पर नहीं बल्कि उसके किसी विशेष अंग के बारे में किया जाता है। उदाहरण के लिए कुछ मनुष्य स्वार्थी, मनुष्य का एक वर्ग है, तो यहाँ मनुष्य के प्रत्येक सदस्य के बारे में नहीं कहा जा रहा है बल्कि कुछ सदस्यों के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ मनुष्य स्वार्थी। इस प्रकार विशेष अथवा विशेषवाचक तर्कवाक्य में कुछ का अर्थ सामान्य कुछ से भिन्न है। तर्कशास्त्र में इसका अर्थ किसी भी निश्चित परिणाम से है। यहाँ तक कि यदि 100 में से 99 व्यक्तियों के बारे में कोई बात सत्य है तो भी कुछ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार कुछ का अर्थ होता है कम से कम एक होता है और दूसरी ओर उसका अर्थ पूर्ण से कम होता है। तर्कवाक्य में सामान्य में हम कुछ शब्द का यूज जो करते हैं उसमें कम से कम एक का होना आवश्यक है, परंतु तर्कवाक्य में पूर्ण से कम कुछ भी हो उसको हम विशेष या कुछ के द्वारा होता है। तो ये परिणाम परिमाण के आधार पे हुआ तर्कशास्त्र का विभाजन। अब विधि के अनुसार भी तर्कवाक्यों का विभाजन किया गया है। विधि का तात्पर्य तर्कवाक्य संभावना या निश्चयात्मकता से है जो कि उद्देश्य के बारे में विधेय में पाई जाती है। इस प्रकार विधि संभावना की मात्रा है। विधि की दृष्टि से तर्कवाक्यों को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला अनिवार्य तर्कवाक्य। इस तर्कवाक्य को आवश्यक या निश्चित तर्कवाक्य भी कहते हैं। इसमें जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहता है वह सभी देश काल में सत्य होता है। दूसरे शब्दों में अनिवार्य तर्कवाक्य के विरुद्ध तर्कवाक्य सदैव असत्य होता है। इस प्रकार के तर्कवाक्यों के कुछ उदाहरण हैं, जो जन्म लेता है उसका मरण अनिवार्य है। दूसरा त्रिभुज के तीनों कोण दो समकोण के बराबर होते हैं, वर्ग की चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, इत्यादि इत्यादि। ये अनिवार्य तर्कवाक्य के उदाहरण है। प्रतिज्ञात तर्कवाक्य। विधि के अनुसार प्रतिज्ञात एसर्टोरी प्रीपोजिशन। तर्कवाक्यों के इस वर्ग में वे तर्कवाक्य आते हैं जो न तो निश्चय प्रकट करते हैं और न संदेह, किंतु हमारे अनुभव की सीमा में सत्य होते हैं। न तो ये अनिवार्य तर्कवाक्य के समान देश कालातीत तथ्य की स्थापना करते हैं और न संदिग्ध तर्कवाक्य के समान संदेह युक्त बात कहते हैं। इनमें उद्देश्य के विषय में विधेय किसी ऐसी बात की स्थापना करता है जो अनुभव से सिद्ध होती है, जैसे सब कौवे काले होते हैं, कोयल का स्वर मीठा होता है, पानी से प्यास बुझती है, इत्यादि इत्यादि। ये प्रतिज्ञातात्मक तर्कवाक्य के उदाहरण है। उसी तरह से दूसरा इसमें तीसरा प्रकार इसका बताया जाता है संदिग्ध तर्कवाक्य का। एक तो हो गया निश्चयात्मक, दूसरा हो गया प्रतिज्ञात्मक और तीसरा है संदिग्ध तर्कवाक्य। संदिग्ध तर्कवाक्य वह है जिसमें उद्देश्य और विधेय में संभावना मात्र का संबंध। दूसरे शब्दों में इसको कहा जाए तो कहा जा सकता है कि उद्देश्य के बारे में विशेष जिस तथ्य का प्रतिपादन करता है वह कुछ परिस्थितियों में सत्य और अन्य परिस्थितियों में असत्य सिद्ध होता है। जैसे संभव है आज वर्षा हो जाए, कदाचित वह कल आएगा, मुझे कल तक रुपया मिलने की संभावना है, इत्यादि इत्यादि। इस तरह से ये विधि के अनुसार तीन तरह के भेद तर्कवाक्यों के बतलाए गए, एक निश्चयात्मक, दूसरा प्रतिज्ञात्मक और तीसरा संदेहात्मक संदिग्धात्मक। अब तात्पर्य की दृष्टि से तर्कवाक्यों का विभाजन किया गया है। तात्पर्य की दृष्टि से निम्नलिखित पहला जो भेद तर्कवाक्यों किया गया है वो है शाब्दिक तर्कवाक्य। शाब्दिक तर्कवाक्य विश्लेषणात्मक होता है, अर्थात इसमें उद्देश्य
इसमें विधेय उद्देश्य के स्वभाव या स्वभाव के किसी अंश मात्र का कथन करता है। जैसे सब मनुष्य मरणशील हैं अथवा मनुष्य विचारवान प्राणी है इत्यादि। इस प्रकार के तर्कवाक्य जो होते हैं प्रीपोजिशन, वो अनिवार्य रूप से सत्य होते हैं, क्योंकि इनमें विधेय कोई नई बात नहीं कहता है, बल्कि उद्देश्य का विश्लेषण करके उसके स्वभाव को प्रकट करता है। दूसरा यथार्थ तर्कवाक्य रियल प्रीपोजिशन या संश्लेषणात्मक तर्कवाक्य सिंथेटिक प्रीपोजिशन होता है, अर्थात इसमें विधेय जो होता है वो उद्देश्य के विषय में किसी ऐसे कथन का प्रतिपादन करता है जो कि उद्देश्य के विश्लेषण से नहीं निकाला जा सकता। उदाहरण के लिए, गाय दूध देती है, कुत्ता पालतू जानवर है, मनुष्य हंसने वाला प्राणी है इत्यादि इत्यादि। इन तर्कवाक्यों में विधेय का कथन विश्लेषण के द्वारा उद्देश्य नहीं निकाला जा सकता। गाय के विश्लेषण से दूध देने का गुण नहीं निकलता है, हंसना मनुष्य का गुण नहीं है, और न पालतू होना कुत्ते के लिए आवश्यक है। इस प्रकार यथार्थ तर्कवाक्यों में विधेय उद्देश्यों के बारे में किसी नई बात की स्थापना करता है जो कि उसकी गुणवाचकता में सम्मिलित नहीं हो सकती, इसलिए इसको ज्ञापक तर्कवाक्य एम्प्लीएटिव एम्फेटिक एम्प्लीएटिव प्रीपोजिशन भी कहते हैं। एम्प्लीएटिव संश्लेषण पर आधारित यह संश्लेषणात्मक तर्कवाक्य भी कहलाता है, क्योंकि इसमें सिंथेसिस किया जाता है अनुभव का, अनुभव के द्वारा देखा जाता है जिन सब चीज़ों का, उनका वर्णन होता है। तो ये हमने आज मोटा मोटी तर्कवाक्यों के विभिन्न प्रकार के भेदों के बारे में एक संक्षिप्त विवेचना की। ये तर्कवाक्य में देख रहे होंगे आपके अलग अलग दृष्टिकोण के आधार पर इनका भेद स्थापित किया गया है, लेकिन इसमें कई समानताएं भी हैं, लेकिन क्वालिटी क्वांटिटी कंस्ट्रक्शन रचना विधि और तात्पर्य, ये पांच आधार पे तर्कवाक्यों का तर्कशास्त्रों ने विवेचन इसलिए किया है कि विषय वस्तु में अस्पष्टता बने। तो ये आज का तर्कशास्त्र तर्कवाक्यों का कि विभिन्न प्रकार के भेदों के बारे में आज हम लोगों ने चर्चा की, और मुझे आशा है कि इससे आप लोगों को तर्कवाक्यों के विभिन्न प्रकार के तर्कवाक्यों के बारे में अच्छी और संपूर्ण जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।